हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लेटेस्ट अपडेट। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है क्लास ट्वेल्थ बोर्ड CBSE स्टूडेंट्स के रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने असेसमेंट मार्क्स से खुश नहीं होंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद आप लोगों का जो फिर से री एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा 15 अगस्त से लेके 15 सेप्टेम्बर में, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोगों का असेसमेंट अच्छे से नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका जो आपका री एग्ज़ाम रहेगा वो आपको 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में रहेगा। उसके बाद से जो आपका रिज़ल्ट रहेगा, जो अभी आपका रिज़ल्ट आने वाला है, वो आपको जुलाई एंड तक आएगा। उसके बाद ही जो स्टूडेंट अपने असेसमेंट मार्क्स से खुश नहीं होंगे तो उनको चांस मिलेगा कि वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में जाके एग्ज़ाम दें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जो एग्ज़ाम होगा वो आप अपने मेन सब्जेक्ट्स में ही दे सकते हैं। अगर आपको मेन सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप लोग सिर्फ उसी का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम होगा वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा। और आप लोगों का इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि यह भी डिसाइड नहीं है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में ही होगा, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन देखी जाएगी कि सिचुएशन कैसी रहती है। तो जो भी CBSE क्लास ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट जुलाई एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने मार्क्स देखना, अगर आपके असेसमेंट में मार्क्स सही नहीं है, जिस फॉर्मूला पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग उसका उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से दे के आप लोग अपने मार्क्स सही कर सकते हैं और फिर वो मार्क्स आप लोगों के फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो ये है आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।